हेलो, वेलकम बैक। आई एम मुकेश कुमार। ट्यूटर मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पहले वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट ये हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो वीडियो लेकर आए हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाइए यदि यदि आपको अच्छे से समझना है, और वीडियो को अंत तक भी जरूर देखना है यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो टू स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, देखिए सबसे मेन चीज है इसकी पहचान। पहचान मैंने आपको लिखवाई है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, और प्लस समय। यदि समय नहीं होगा तो हमारा बन जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। यदि सेंटेंस में समय आ गया तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हैज बीन और हैव बीन होती हैं। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सेंटेंस को बनाने के लिए आपको तीन चीजें याद रखनी है, पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन यूज करते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। यूज ऑफ सिंस, अब इसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं क्योंकि इसमें टाइम आता है, समय आता है, तो सिंस कहाँ लगाना है। यदि सेंटेंस में बजे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, दिन का नाम, महीने का नाम और सन, अगर ये सेंटेंस में आपको दिखाई दे तो समझ लो वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में यूज ऑफ फॉर का प्रयोग कहाँ करना है। यदि सेंटेंस में घंटे, दिन, महीना, वर्ष, सप्ताह, मिनट, सेकंड, लंबा समय हो तो समझ लो वहां पर हम फोर यूज करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। रूल मैंने आपको ये लिखवा दिया, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद में हैज, हैव में से आपको वन एक चीज लगानी है, फिर बीन यूज करेंगे, फिर वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स होगा, सिंस, फॉर प्लस टाइम। अब मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, वह 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा है। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ, आपको पहले पहचानना है वाक्य के अंत में आया इसमें रहा है, तो मैंने लिखवा रहा है। उसके बाद में समय, यदि आपको टाइम मिलता है, रहा है प्लस समय, तो बन जाता हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। स्टार्टिंग करते हैं। 2 घंटे से अपना कार्य कौन कर रहा है, वह। इसका मतलब वह क्या है, सब्जेक्ट, तो वह की मीनिंग क्या जाएगी, ही के बाद में हैज और हैव में से लगाना है। आपको पता है कि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं, हैज यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या लगाना है, बीन, तो बीन लगा देना है। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है, कर रहा। अब देखिए वैसे सेंटेंस में अगर अपना वर्ड नहीं होता तो हम लिख देते वर्किंग, ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में अपना वर्ड लिखा हुआ है तो फिर अपने के साथ तो कार्य की मीनिंग आएगी, तो इसमें मतलब करने की मीनिंग अलग लिखेंगे। तो करने की मीनिंग क्या होगी, डू, तो डू में क्या लगा देंगे हम आईएनजी, क्योंकि मैंने वर्ब में लिखवा रखा है आईएनजी लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें अपना कार्य है। अब देखो वह के साथ में अपने की मीनिंग हिज यूज करते हैं, तो यहाँ हिज हो जाएगी। याद रखना है कि वह के साथ में अपने की मीनिंग क्या आएगी, ही के साथ हिज और कार्य की वर्क। अदर वर्ड में कोई बचा ही नहीं है। अब लगाना सिंस और फॉर। पहले ये देखो कि 2 घंटे हमारा निश्चित समय है या अनिश्चित। ये जो लिखा हुआ है सिंस, इसका तो यूज करते हैं हम, यदि सेंड, ये जिसने बोलते हैं समय, निश्चित समय, ये जो होता है हमारा ये होता है निश्चित समय, ठीक। और ये जो समय लिखा हुआ है ये हमारा होता है अनिश्चित समय। ठीक है, अनिश्चित समय, तो ये 2 घंटे हमारा, 2 घंटे देखिए लिखा हुआ है, तो ये अनिश्चित में आएगा। इसका मतलब इसमें फोर यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, फोर। अब सिंस मत लगाना, क्या लगाना है, फोर। उसके बाद में टाइम, टाइम क्या लिखा हुआ, 2 घंटे, तो लिख देंगे 2 आवर्स, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सेकंड, वह लड़का सुबह से मैदान में
खेल रहा है। ठीक, अब इसमें वाक्य क्या आ गया, रहा है, तो रहा है, सुबह टाइम आ गया, सुबह तो टाइम हो गया, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। वह लड़का हमारा क्या सब्जेक्ट, तो वह लड़की क्या आएगी, दैट बॉय। ठीक, दैट बॉय के बाद में सब्जेक्ट के बाद में हैज हमें से लगाना है, लड़का तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज। उसके बाद में बीन, तो बीन यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब क्या है इसमें, पिले, खेलना, तो खेल की मीनिंग क्या आएगी, पिले, तो क्या लगा देंगे इसमें, आईएनजी, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, प्ले अदर वर्ड में क्या होगा, मैदान में, तो लिख देंगे इन द फील्ड। ठीक, उसके बाद में सिंस और फोर, अब बताइए सिंस लगाना है या फोर लगाना है, इसमें सुबह आ गया तो सुबह किसमें दे रखा है, सिंस में निश्चित समय है ये हमारा, तो लगा देंगे सिंस। सिंस के बाद में सुबह की मीनिंग मॉर्निंग। इसके बाद दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, फिर इसके बाद आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है इसकी। सेंटेंस नंबर थ्री, मेरे पिताजी दो हजार पांच से दिल्ली में रह रहे हैं। मेरे पिताजी 2005 से दिल्ली में रह रहे हैं, तो 2005 से रह रहे हैं, तो हमारा इसमें टाइम रहे हैं। अब इसमें रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरे पिताजी, तो माई फादर, पिताजी सिंगुलर, तो हैज बीन, रहने की लिविंग, कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में, इन दिल्ली, कब से, 2005। तो इसका मतलब अगर सन, सन का मतलब होता है अगर ये सन आता है कि 2005, 2006 इस प्रकार, तो इसमें हम जो है सिंस का यूज करेंगे, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, सिंस, और लिख देंगे 2005। एक एग्जाम्पल और देख लो, वे लड़के दो बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब इस सेंटेंस में रहे हैं, तो रहे हैं 2 बजे, समय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वे लड़कों की आएगी दोज बॉयस। अब बॉयस हमारे सिंगुलर है प्लूरल, तो बॉयस तो बहुत सारे हो गए, तो प्लूरल, तो क्या आ गया इसमें, हैव बीन, पढ़ने की मीनिंग रीडिंग, तो रीडिंग कर देंगे अपनी पुस्तक। अब लड़के कितने बहुत सारे हैं, तो वे लड़कों के, तो उसके साथ मीनिंग क्या आएगी, देयर, अपनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो देयर बुक्स। वे लड़के 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो अपनी पुस्तक वैसे अगर हम बुक में लिख देंगे, अगर होता है पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो यहां ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो 2 बजे का समय हमारा निश्चित, तो सिंस 2 o'clock। ठीक, इस प्रकार हमने आपको फोर एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको सेंटेंस अफर्मेटिव बताए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।